नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित। स्वागत है आप सबका डिफेंस डिकोड पे। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ सिस्टम के बारे में जो कि IAF ने और हमारे आर्म्ड फोर्सेस ने अभी हाल ही में शोकेस किया है। कंबाइंड कमांडर जो कॉन्फ्रेंस है उसके बाद एग्जीबिशन रखा गया था, तो वहाँ पे जो प्रोडक्ट हैं वो शोकेस किए गए हैं। ज़्यादातर जो प्रोडक्ट हैं वो मॉडिफाइड और इनोवेटिव प्रोडक्ट हैं जो कि नए और पहली बार आपको देखने को मिले हैं, तो उनको लेके हम बात करने वाले हैं। तो टेक्निकली यहाँ पे ये जो प्रोडक्ट हैं वो नए हैं, मतलब इनोवेट किया गया है, जिसका अर्थ ये होता है कि ऐसा ही सिमिलर प्रोडक्ट पब्लिक डोमेन में अभी उपलब्ध नहीं है, तो इस पे जो जानकारी होगी वो लिमिटेड होगी। सबसे पहले हम बात करेंगे IAF द्वारा बनाए गए शॉर्ट रेंज सर्फेस टू एयर मिसाइल के बारे में, जिसको उन्होंने नाम दिया है सर्फेस टू एयर मिसाइल अशोर रिटेलिएशन, यानी कि SAMAR समर का नाम दिया है। डेवलप किया है इसको IAF ने। ये एक शॉर्ट रेंज ADS है जो कि आपके लेयर और टीयर डिफेंस सिस्टम का पार्ट बनेगा। यहाँ पे ये कॉम्बाइंड कमांडर कॉन्फ्रेंस के टाइम पे शो किया गया है, तो कहीं ना कहीं जिसका इस्तेमाल है वो सभी के द्वारा किया जाएगा। स्पेशली इसको बनाया IAF ने इंडियन आर्मी के लिए। सिस्टम आपको दिखता है कुछ इस प्रकार से, जहाँ पे कुछ मिसाइल को कार्गो ट्रक पे माउंट किया गया आपको दिख रहा होगा। ये ट्रक आपको काफी सिमिलर दिखेगा रशियन JIL-131 के, यानी कि ZIL-131 के। और मिसाइल को आप गौर से देखोगे तो आपको दिखेगा कि ये R-73 है। तो टेक्निकली अगर आप कहोगे तो ये एक ब्रिलियंट वर्क है शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम को अचीव करने के लिए। हम सभी अवेयर हैं कि हम ऑलरेडी प्रोक्योर कर चुके हैं 5000 से भी ऊपर जो R-73 है उनको। तो कहीं के जो हमारे पास ऑलरेडी R-73 हैं, जिनको आप एयरक्राफ्ट के पायलन पे माउंट करके पेट्रोलिंग करते हो, तो जो उनकी लाइफ है वो नीचे आती है। स्पेशली वहाँ पे जो वॉरहेड है प्लस जो प्रोपल्शन है, उन दोनों की जो लाइफ है वो नीचे आती है। मोस्ट प्रोबेबली ऐसे कुछ मिसाइल का इस्तेमाल करके जो कि IAF की यूज में नहीं आई है, उनको एक सैम के रूप में जो शेप है वो दिया जा रहा है। तो ये आपके R-73 हैं जिनके टिप पे IR सीकर दिया गया है। और यहाँ पे मैं याद दिलाना चाहूंगा कि ये IR सीकर है ना कि IAR सीकर है। तो टेक्निकली इसको अपने टारगेट को लॉक करने के लिए टारगेट के जो थर्मल सिग्नेचर हैं वो इसको चाहिए होंगे, और उसी के लिए यहाँ पे एक सिस्टम दिया गया है जो कि आपको दिख रहा है इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम की तरह, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली ये एक लॉन्ग रेंज थर्मल कैमरा भी हो सकता है। टारगेट के थर्मल सिग्नेचर मिलने के बाद ही जो इसका सीकर है IR सीकर वो टारगेट को लॉक करेगा 10 से 12 किलोमीटर दूर। तो वहाँ पे सीकर को टारगेट को लॉक करने में कोई प्रॉब्लम आती है या फिर टारगेट को लेकर जो डायरेक्शन है वो तय नहीं हो पा रही है, तो वहाँ पे जो एक थर्मल कैमरा है उसका इस्तेमाल किया जाएगा टारगेट की तरफ जो मिसाइल है उसको फायर करने में। तो एक बार आप टारगेट के डायरेक्शन में मिसाइल को फायर कर दोगे, फिर वहाँ पर जैसे ही वो नजदीक पहुंचेगा उस टारगेट की, फिर जो उसका IR सीकर है वो एप्लीकेशन में आ जाएगा और टारगेट को ढूंढने लग जाएगा। आपके मिसाइल के पास IR सीकर है तो प्रॉब्ली एक थर्मल कैमरा भी हो सकता है, लेकिन अभी इसको लेकर जो इन्फॉर्मेशन है वो ज्यादा उपलब्ध नहीं है, तो किसी चीज को फैक्ट की तरह रखना सही नहीं होगा। तो इसके लिए हम दोनों ऑप्शन खोल के रखते हैं, या तो ये कोई एक लॉन्ग रेंज थर्मल कैमरा है या फिर इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम है। मिसाइल यहाँ पे माउंट किया गया है रेल लॉन्चर पे, मतलब जैसे ही मिसाइल को बॉन्ड किया जाएगा तो इस रेल के सहारे वो ग्लाइड करते हुए अपने आप को लॉन्च करेगा। यहाँ पे जो लॉन्चर दिया गया है वो IAF के फाइटर जेट के लॉन्चर को उल्टा करके यहाँ पे माउंट कर दिया गया है, तो आप प्रॉपर कह सकते हो यहाँ पे जुगाड़ है जो कि इनोवेटिव भी है। अब यहाँ पे आपको एक व्हीकल पे दो जो लॉन्चर है वो दिख रहे होंगे। जहाँ तक बात करोगे इस कार्गो ट्रक की, तो बेसिकली यहाँ पे इसको शेप ऐसा दिया गया है कि जो पूरा पूरा लॉन्च यूनिट है उसको एक ट्रक के कंटेनर की तरह छुपाया जा सके, मतलब जो उसका रूफ है वो फोल्ड हो जाएगा, फिर जो आपके लॉन्चर है वो सामने आ जाएंगे। तो कुछ वैसा लॉन्च सिस्टम यहाँ पे दिया गया है। फिलहाल अभी जो पिक्चर सामने आई है उनसे तो आपको यही देखने को मिल रहा है, जहाँ पे साइड में आपको जो कवर है वो दिख रहा होगा, बेसिकली एक प्रोटेक्शन भी हो सकता है, और इस ट्रक के अंदर क्या चीज कैरी हो रही है उसको छुपाने के लिए जो कैमोफ्लेज है वो भी हो सकता है। तो जिस तरह के यहाँ पे कैमरा दिया गया है स्लैश इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम दिया गया है, हम सभी जानते हैं R-73 की जो रेंज है वो मैक्सिमम 30 किलोमीटर तक की है। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि एक एयर टू एयर मिसाइल को कन्वर्ट कर रहे हैं सैम के रूप में, जिसमें हम सबको पता है कि जो रेंज है वो नीचे आती है। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम रेंज है मिसाइल की वो 30 से 40 किलोमीटर के बीच में वैरी करती है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे सैम की जो रेंज होगी वो 5 से लेकर 15 किलोमीटर के बीच में ही वैरी करने वाली है। यहाँ पे ये ग्राउंड बेस्ड सिस्टम है, तो सीकर की कूलिंग को लेके जो प्रावधान है वो यहाँ पे पूरे होंगे। सो ये एक इफेक्टिव इस्तेमाल है आपके जो भी R-73 है उनके। ऐसा कोई भी सिस्टम कहीं भी डेवलप नहीं किया गया है जो टारगेट IR सिग्नेचर लेके चलते हैं, तो उनके लिए काफी इफेक्टिव होंगे। अभी जहाँ तक बात है टाइप ऑफ टारगेट को लेके, तो उसके बारे में आप खुल के कह नहीं सकते हो, क्योंकि जो भी आपके UAV होते हैं उनका जो थर्मल सिग्नेचर होता है वो कम होता है, तो प्रॉब्ली UAV को किसी और रडार या फिर ट्रैकर के थ्रू आपको डिटेक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद ये जो मिसाइल है वो आप फायर करोगे। यहाँ पे सिस्टम को डेवलप करने का ये भी फायदा है कि आपको जो R-73 है वो चीपर पड़ेगा इसी के कैटेगरी के दूसरे मिसाइल के कंपैरिजन में। ये भी मिसाइल की लाइफ की बात करते हो इन लॉन्चर्स के ऊपर, तो जो मिसाइल की लाइफ है वो उतनी जल्दी डेटोरिएट नहीं होने वाली है, मतलब जो लाइफ रहेगी यहाँ पे सैम में वो कुछ ज्यादा प्रिजर्व रहने वाली है उसके कंपैरिजन में यहाँ पे आप पायलन पे माउंट करके पेट्रोलिंग करते हो हवा में, तो उससे जो लाइफ है यहाँ पे ज्यादा प्रिजर्व रहेगी। और यहाँ पे जो कुछ मिसाइल होंगे वो कंटेनर में भी रखे गए होंगे। यहाँ पे जो सीकर है वो IR सीकर दिया गया है, तो इसकी जो इफेक्टिवनेस होगी उन एरियाज में जहाँ पे बैकग्राउंड और टारगेट के बीच के टेम्परेचर में जो डिफरेंस है वो आपको ज्यादा दिखता है, तो वैसे एरिया में जो सिस्टम है समर काफी इफेक्टिव होगा। सो IAF की तरफ से ये एक प्रेजवर्दी काम है जो कि अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। इस एग्जीबिशन को भारत के प्राइम मिनिस्टर ने भी विजिट किया है, और वहाँ पे जो कुछ पिक्चर्स हैं वो सामने आई हैं। उन पिक्चर्स में जो डिवाइस हैं उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये पिक्चर आपको दिख रही होगी,
तो इस पिक्चर में जो सिस्टम है वो बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन जिस तरह से पावर को कनेक्ट किया गया है उससे मुझे यही इंडिकेशन मिल रहा है कि ये एक सिग्नल लैंप है जिससे आप मोर्स कोड शेयर करते हो या सिग्नल भेजते हो। सेकंड पिक्चर की बात करोगे तो आपको सामने ये दिख रहा होगा जो कि डाई प्रोपल्शन व्हीकल यानी कि DPV की तरह आपको दिख रहा है, लेकिन ये DPV नहीं है। यहाँ पे इसको एक वायर से कनेक्ट किया गया है, एक लंबे वायर से जो कि फर्दर कनेक्टेड है कंट्रोल सिस्टम से। तो ये एक टोड एंटी टॉर्पेडो सिस्टम है, लेकिन ये वो भी कम्प्लीटली नहीं है। हम अभी बात कर रहे थे कि यहाँ पे जो सिस्टम है उन सब में कुछ ना कुछ जो मॉडिफिकेशन है वो हुआ है। अगर आपको कोई सिमिलैरिटी है वो दिखती है प्रीवियस सिस्टम से तो कहीं ना कहीं यहाँ पे अगर आप जूम इन करोगे तो पिक्चर पर लिखा हुआ है IR सेंसर। तो टेक्निकली ये एक IR सेंसर डिवाइस है, नेवी ने इसको बनाया है डेकॉय सिस्टम को मॉडिफाई करके। तो ये एक अनमैन अंडरवाटर व्हीकल की तरह काम करेगा जहाँ पे जो भी ऑब्जेक्ट समुद्र में तैर रहे होंगे उनको लेकर जो थर्मल इंस्पेक्शन है वो ये करेगा, और वहीं पे ये जुड़ा रहेगा एक वायर के थ्रू अपने कंट्रोल स्टेशन से। तो ये कुछ इस तरह का जो सिस्टम है वो आपको देखने को मिला है पहले लुक से, क्योंकि इनके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो कुछ खास उपलब्ध नहीं है। तो ये नए नए इनोवेटिव आइडियाज हैं जो कि हमारे आर्म्ड फोर्सेस ने खुद ही डाले हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।